एपिसोड की शुरुआत होती है इस गुफा से जहाँ पर जायगर आया है, और टीम फिलर भी वहीं पर होती है। पर टीम फिलर जायगर को पकड़ना चाहती है, इसलिए वो अपने पोकेमोन से जायगर पर हमला कर देती है। पर जायगर अपनी ताकत दिखाता है और टीम फिलर के सभी पोकेमोन को उड़ा देता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि जायगर से हारने के बाद टीम फिलर की हेड मेवल लाइसेंडर को कॉल करती है और उसे बताती है कि जायगर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और लाइसेंडर कहता है कि क्या जायगर उतना ज़्यादा स्ट्रांग है जितना आपने सोचा था, और उसे ढूंढो ताकि हम अपने इरादों को पूरा कर सकें। उसके बाद हमें टीम मतलब एस और उसकी टीम दिखाते मतलब फ्रेंड्स दिखाए रहते हैं, जहाँ एस ने अपने 7 जिम बैच जीत लिए हैं और वो 8वां जिम बैच जीतने के लिए स्नोवेल सिटी जा रहा है। और यहाँ क्लेमेंट बोनी से कहता है कि हमने बहुत आराम कर लिया, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन जब बोनी अपना बैग उठाने लगती है तब वो अपने बैग में एक अजीब सा पोकेमॉन देखती है। वो पोकेमॉन ना ही बोनी ने देखा था और ना ही उनमें से किसी ने आज तक उस पोकेमॉन के को देखा था। तो ऐसा सरीना उस पोकेमॉन के बारे में जानने के लिए अपने पोकेडेक्स को चेक करते हैं, पर पोकेडेक्स के पास भी उस पोकेमॉन के बारे में कोई भी डाटा नहीं था। तो उन सबको लगने लगा कि उन्होंने एक नए पोकेमॉन की स्पीसीज को ढूंढा है। तब बोनी कहती है कि मैं इस पोकेमॉन का ख्याल रखूंगी, और वो बोनी उस पोकेमॉन को एक नाम देती है स्विसी। तभी उनकी तरफ एक डोडियो का झुंड आते हुए दिखाई देता है और उनका पीछे ग्रोबैल कर रहा होता है। डोडियो के झुंड के टकराने की वजह से ऐश और उसके फ्रेंड गिर जाते हैं और बोनी भी गिर जाती है, और उसके हाथ से क्विसी छूट जाता है और क्विसी वहाँ से भाग जाता है मौका देख के। उसके बाद पता चलता है कि वो ग्रोवाइल जोयर का था, और वो जोयर उन डोडियो में से एक डोडियो को पकड़ना चाहता था, और इसलिए वो ग्रोवाइल उन डोडियो का पीछा कर रहा था। तभी बोनी बता दी कि स्विसी कहीं चला गया है। अब उसके बाद हमें टीम फ्लेयर की लीडर सेलेसिया को दिखाया जाता है, जो जायगार के कोर फॉर्म को ढूंढ रही होती है, और ढूंढते ढूंढते उसे क्विजी मिल जाता है। और क्विजी की मिलते ही सेलेसिया टीम फ्लेयर की दूसरी लीडर मेवल को कॉल करती है और बताती है कि मैंने क्विजी को मतलब जायगर के कोर फॉर्म को ढूंढ लिया है और मैं तुमसे पहले ही उसे पकड़ लूंगी। टीम फ्लेयर क्विजी पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर क्विजी की मदद करने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। उसके बाद सेलेसिया का ट्रैपियन ऐश और उसके फ्रेंड पर टॉक्सिक से हमला कर देता है, और टॉक्सिक को काटने के लिए पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। अब जोयर अपने ग्रोवाइल को उस ट्रैपियन पर लीव स्टोन से हमला करने का बोलता है, और लीव स्टोन से वो ट्रैपियन हवा में उड़ जाता है। और उसके बाद टीम फ्लेयर अपने सभी पोकेमॉन से एस और उसके फ्रेंड पे हमला करने के लिए बोलती है। उसके बाद एस अपने नोवाइन को निकालता है और सुपरसोनिक से हमला करने को बोलता है, और इसके बाद वो एस और उसकी टीम क्विजी को बचाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम फ्लेयर के हेड साइंटिस्ट जोरोस, जो मेवल और सेलेसिया से कहता है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम दोनों G2 को वहाँ से भागने में मदद मतलब भागने दोगे। अब वो उन दोनों से कहता है कि इसके बाद ये काम एलियाना और ब्राइनी करेंगी। अब जोरोसिस जायाट के दो फोन के बारे में बताता है, पहला है G1 जिसे मतलब क्विजी, और दूसरा है G2 जिसने मतलब टीम फिलर की बैंड बजा दी थी। अब शाम हो गई है और ऐश और उसके उनके सभी पोकेमॉन खाना खा रहे हैं, और किसी के भी कहने पर क्विजी खाना नहीं खा रहा होता है। और तभी वो इस पत्थर पर आ जाता है और लेट जाता है और अपने सभी फॉर्म के बारे में पता लगने लगता है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि क्विजी को खाना खाने से ताकत नहीं मिलती, उसे सूरज की किरणों से ताकत मिलती है। उसके बाद ऐश और स्लेयर अपने बैजेस दिखाता है। ऐश के बाद होते हैं 7 बैजेस, और उसके अभी 8वां बैज चाहिए जो स्नो पॉइंट सिटी में होगा। अब जोयर ऐश और बाकी सबको स्नोवेल सिटी का मैप दिखाता है, और उसके बाद वो बताता है कि एक टर्मिनल स्कैम्प ग्राउंड की जगह के बारे में बताता है जहाँ पर काफ़ी सारे नए पोकेमॉन मिलेंगे तुम सबको। पर जब सरीना अपने डिवाइस की मदद से ऐश और बाकी सभी को टर्मिनल स्कैम्प की फोटो दिखाता है, तब क्विजी अजीब बर्ताव करने लगता है। उसके बाद रात हो जाती है और सभी सो रहे होते हैं, पर क्विजी को नींद नहीं आ रही होती है, और क्विजी को टीम फ्लेयर को उनके तरफ आने का पता चल जाता है, और टीम क्विजी वहाँ से जाने लगता है, भागने लगता है, और ऐश और उसके फ्रेंड भी क्विजी के पीछे जाते हैं। तभी वहाँ पर टीम फ्लेयर क्विजी पर हमला कर देती है। उसके बाद एलियाना ऐश और उसके फ्रेंड से कहती है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, ये G1 हमारा है। और ऐश बदले में कहता है कि अगर ये तुम्हारा होता तो उसके साथ ऐसा नहीं करते। उसके बाद टीम फ्लेयर और ऐश और उसके फ्रेंड्स के बीच में बैटल होती है। ऐश सरीना क्लेमेंट और बोनी से कहता है कि जाओ क्विजी को यहाँ से लेके जाओ, और जोयर कहता है कि मैं और ऐश टीम फ्लेयर को देख लेंगे। क्लेमेंट सरीना और बोनी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बोनी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है, और जोयर वहाँ से भाग मतलब उसके हाथ से छूट जाता है। और यहाँ टीम फ्लेयर भी ऐश और जोयर से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। क्विजी भाग ही रहा होता है टीम फ्लेयर से बचकर, तभी टीम फ्लेयर क्विजी पर हमला कर देती है। पर इस बार क्विजी टीम फ्लेयर से काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था, इसलिए वो अपने जायगर के 10% फॉर्म में आता है और टीम फ्लेयर की बात लगा देता है, मतलब ऐसी की तैसी कर देता है। इससे क्विजी को भी काफ़ी डैमेज होता है, और क्विजी वहाँ पर मतलब बोनी वहाँ पर आ जाती है क्विजी को लेने के लिए। बोनी क्विजी से कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद ऐश और
उसके फ्रेंड जोहर का धन्यवाद करते हैं उनका साथ देने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम फ्लेयर को और ब्राइनी स्लेसिया से कहती है कि तुम्हें पता है जाइगर के पास एक और फॉर्म है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मिशन के लिए, मुझे ये जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करनी होगी।